फतेहपुर जिले में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध शिवराजपुर स्थान का ऐतिहासिक व पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान है। 15वीं सदी में यहां गिरधर गोपाल मंदिर की स्थापना श्रीकृष्ण की उपासक मीरा ने स्वयं की थी। इस मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण की वही मूर्ति स्थापित है। विश्व में और कहीं भी अष्टभुजी ऐसी अद्वितीय मूर्ति गिरधर गोपाल जी की नहीं है। कार्तिक भर लोग जब भी गंगा स्नान को आते हैं तो यहां आकर गिरधर गोपाल जी के दर्शन करते हैं। स्थानीय व पुजारी बताते हैं कि कृष्ण प्रेम में मीरा राजघराने को छोड़कर निकली तो अपने साथ साथ आराध्य गिरधर गोपाल जी को लेकर शिवराजपुर आई थी। यहां गंगा घाट पर कुछ दिन ठहरने के बाद जाने लगी तो गिरधर गोपाल की मूर्ति यहां से नहीं उठी, जिसे यहां स्थापित कर दिया गया। तब से यहां गिरधर गोपाल जी की पूजा अर्चना हो रही है। जैसा हमने सुना है पूर्वजों से कि उस समय कार्तिक पूर्णिमा का मेला था, उस अवसर पर आई थी, दो दिन यहां रुकी थी, तीसरे दिन जब जाने की बारी थी तो वो जो डोली थी उनकी गिरधर गोपाल जी की, वो उठाई नहीं उठी। भगवान गिरधर गोपाल जी ने उनको प्रेरणा दी कि अब आपको लेके हमको घूमने की जरूरत नहीं, आपके अंदर गिरधर गोपाल विराजमान है। और फिर मीरा जी अपने हाथों से स्थापित करके यहां से बनारस चली गई थी। यहां रात में विश्राम किया, खाना पीना बनाया, खाया गया। इसके बाद दूसरे दिन जब वो नाव चली तो फिर वो दिन भर घूम के शाम को यहीं आ गई। मीरा जी विचलित हुई, यहीं स्थापित कर दो, हम यहीं रहेंगे। तो इसके बाद में मीरा जी ने पंडितों को, विद्वानों को बुला के स्थापित करा दिया। तब से हमारे उस स्थल के पुजारी जी, उनके परिवार का कोई न कोई सेवा करता रहता है। और आज भी जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। मीरा बाई द्वारा स्थापित इसकी जो मूर्ति है आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे विश्व में कहीं नहीं है ये मूर्ति दूसरी। कहते हैं मीरा बाई जो अपने साथ मूर्ति रखती थी वो मूर्ति ये यहाँ है। मीरा जी गिरधर गोपाल सुराजपुर में मूर्ति को स्थापना किया, वहाँ पर गिरधर गोपाल की। इसके बाद शिव बिहारी जी ठाकुर जी के पास अपने दरबार पर, यही स्थान पर लीन होकर तपस्या में अपने प्राण त्याग दिए।